कक्षा सात के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ लेंगे पूर्णांक। मेरे पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों के अंतर्गत संख्या रेखा पर बात की थी। आज हम इस संख्या रेखा का कुछ अनुपयोग करेंगे, यानी इसका क्या प्रयोग होता है उसे हम देखेंगे। हमारे पास किसी एक दिन के, किसी एक निश्चित समय के अलग अलग शहरों के तापमान हैं जो हमें दिए गए हैं। ये एक संख्या रेखा में दिए गए हैं। संख्या रेखा का बीच का हिस्सा जो संख्या रेखा के शून्य को दर्शाता है, इससे बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होंगी और दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक होंगी। जैसे दिखाया गया, ये ऋण पांच है, ये ऋण दस है, यहाँ पांच दस पंद्रह, और ये कुछ शहरों के नाम दिए हैं, लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला और ऊटी। इन शहरों के तापमान हमें दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इन शहरों के तापमान क्या क्या है। अगर हम देखेंगे लाहौर स्पीति का तापमान कितना है, यहाँ पांच आए लेकिन ये क्या ऋण पांच है, तो ऋण पांच के बाद ऋण छह, ऋण सात और ऋण आठ आएगा। यानी लाहौर स्पीति का तापमान है ऋण आठ डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं अगला शहर श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान भी शून्य से बाई ओर है, तो यह भी ऋणात्मक है, यानी एक और दो, तो श्रीनगर का तापमान है ऋण दो डिग्री सेल्सियस। और तीसरा शहर दिया है शिमला। अब शिमला का हम देखते हैं, ये शून्य से दाहिनी ओर है तो यह धनात्मक है। शिमला का तापमान दिया गया है पांच। अब यहाँ ऋण का चिन्ह नहीं आएगा, बल्कि पांच डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है। और ऊटी का तापमान यदि हम देखें तो यह भी शून्य से दाहिनी ओर है, तो यह भी धनात्मक होगा। और ये दस है, ग्यारह हो, बारह हो, तेरह हो, और चौदह, पंद्रह से एक पहले तो चौदह ही आएगा। ये होगा ऊटी का तापमान, होगा 14 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हम इस संख्या रेखा पर मानों को, इन तापमानों के मानों को हम दर्शा रहे हैं, और इसके आधार पर हम इन शहरों के तापमान भी लिख सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब हम लेंगे सबसे गर्म व सबसे ठंडे तापमान में अंतर। यदि हम देखें तो सबसे गर्म है ऊटी और सबसे ठंडा है लाहौर स्पीति। इनके तापमान में अंतर, ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस और लाहौर स्पीति का तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। इन दो का अंतर हमें निकालना है, 14 ऋण ऋण 8। अंतर का मतलब है इनको हम घटाएंगे, यानी 14 में से 8 को हमें, 14 में हमें ऋण 8 घटाना है। तो 14 में ऋण 8 घटाने के लिए 14, इसको आसान करने के लिए हम इस, जब दो लगातार ऋण आते हैं तो ऋण और ऋण को हम धन कर लेते हैं, तो 14 धन 8 हो जाएगा, जो होगा 22। यानी तापमान में अंतर है 22 डिग्री सेल्सियस। इसे अब हम यहाँ भी गिनती करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें जाना है लाहौर स्पीति से ऊटी तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हम कह सकते हैं कि सबसे ठंडा लाहौर स्पीति और सबसे गर्म ऊटी के तापमान में अंतर 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसी प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लेंगे लाहौर स्पीति व श्रीनगर के तापमान में। लाहौर स्पीति का तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। इनका अंतर हमें निकालना है, तो यहां भी हम ऋण 8, ऋण और ऋण हमेशा धन हो जाते हैं, तो यह ऋण 8 धन। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग संख्या है, ऋण 8 एक 2 है, जब इनके चिन्ह अलग है, एक चिन्ह ऋण है एक चिन्ह धन है, तो परस्पर घटा दिए जाते हैं। 8 में से 2 हटा देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब हम जिन अंकों को फिर से देखते हैं, एक का चिन्ह ऋण और दूसरे का चिन्ह धन है, तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8 है, क्योंकि 8 2 से बड़ी है, और 8 का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो इस 6 का चिन्ह भी ऋण आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है। तो लाहौर स्पीति और श्रीनगर के तापमान में ऋण 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यह हम गिन के भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लाहौर स्पीति से श्रीनगर तक जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, वही हमें यहाँ प्राप्त होगा। अब हम इसी प्रश्न का अगला भाग करेंगे। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, जो है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक व गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कोई ऐसा प्रश्न, अगर आप उत्तर सही देंगे तो आपको धन में अंक मिलेंगे, और यदि आप उत्तर गलत देंगे तो आपको ऋण में अंक
दिए जाएंगे। यदि जैक द्वारा प्राप्त अंक, अब जैक कोई बच्चा है जिसे अंक मिले हैं 25, ऋण 5, ऋण 5 का अर्थ है इसने ये उत्तर गलत दे दिया है। फिर उसे ऋण 10 अंक मिले, यानी उत्तर ही उसका गलत है। फिर 15 और 10, ये दो उत्तर और यह 25 वाला अंक, ये तीन उत्तर उसके सही है, दो उत्तर उसके गलत है, तो उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने थे। तो कुल प्राप्त अंक निकालने के लिए हम जैक के सभी अंकों को, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, उनको जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा 25 धन ऋण 5 धन ऋण 10 धन 15 धन 10। अब इन अंकों को हम जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके सही अंक या धन वाले कौन कौन से अंक है, उनको हम एक साथ लिखेंगे। जैसे 25 धन वाला है, इसके साथ 15 और 10 धन अंक है, तो धन को हम एक साथ लिखेंगे। और फिर इसमें जोड़ेंगे ऋण वाले का अंक को एक साथ लिखेंगे, जो होगा ऋण 5 धन ऋण 10। अब हम इसे हल करने के लिए हमने धन एक साथ ले लिया, ऋण एक साथ है, धन को एक साथ जोड़ देंगे। 25 में 10 जोड़ेंगे 35, धन 10, 25 धन में 15 था, ये उससे लिखने में गलती हो गई है इसके लिए सॉरी, 15 धन 25 धन 15 धन 10, यानी 25 धन 15 धन 10 जो होगा 40 धन 50, यानी 50 हमारे पास धन है। हमने 25 में 15 जोड़ा तो 40 आया, इसको 10 जोड़ा तो 50 आया। अब हम जो ये ऋण लिए इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, यानी 5 और 10 को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह ऋण ही आएगा जो होगा ऋण 15। अब आएगा 50 धन और ऋण ऋण हो जाते हैं ऋण 15, 50 में से हम 15 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 35, यानी कि हम कहेंगे कि जैक ने इस परीक्षा में 35 अंक प्राप्त। तो यह था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।